नमस्कार, सामने दिखाई दे रही तस्वीरें रामपुरा ढिल्लो गांव की है, जहां पे आपको बता दें कि सचिन पायलट जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, स्टार प्रचारक हैं, वो जो है वो सिरसा लोकसभा क्षेत्र के गांव रामपुरा ढिल्लो में जो है वो पहुंच चुके हैं कुमारी शैलजा के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए। जो है वो सचिन पायलट यहां पे पहुंच चुके हैं। आप देखिएगा तस्वीरों में, यहाँ पे आप देखिएगा कि काफी लोग जो है वो सचिन पायलट को समर्थन करने के लिए जो है वो उनको सुनने के लिए लगातार जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता जो है वो सचिन पायलट के साथ कदम से कदम मिला करके चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो भरत सिंह बेनीवाल, संतोष बेनीवाल और पवन बेनीवाल जो है वो तीनों एक मंच पे एक साथ इकट्ठे जो है वो बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ अगर बात करें तो पूर्व विधायक चौधरी संपत सिंह जो हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और सचिन पायलट जो है वो उनका लोग जो है वो फूल मालाएँ पहना करके अभिवादन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी अच्छी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पे सचिन पायलट को सुनने के लिए देखने के लिए यहाँ पे लगातार पहुँचे हुए हैं। एलनाबाद से अगर बात करें तो तमाम कांग्रेस के नेता जो हैं वो यहाँ पे लगातार पहुँचे हुए हैं। पूर्व विधायक भरत सिंह बेनीवाल यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, पवन बेनीवाल हैं, संतोष बेनीवाल हैं, यानी कि तमाम कांग्रेस के एलनाबाद की इकाई जो है वो लगातार यहाँ पे एक साथ जो है वो हमें एकजुटता दिखाती हुई दिखाई दे रही है। और इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखिएगा कि महिलाओं की भी अच्छी खासी संख्या यहाँ पे जो है वो हमें देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही लोगों की अगर तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहें तो काफ़ी अच्छी संख्या में लोग भी जो है वो यहाँ पे सचिन पायलट को सुनने के लिए और कांग्रेस पार्टी का साथ सहयोग समर्थन करने के लिए लगातार जो है वो पहुँचे हुए दिखाई दे रहे हैं। और महिलाएँ जो है वो लगातार जो है वो सचिन पायलट के मंच में पहुँचने के बाद जो है वो यहाँ पर पहुँचती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर तस्वीरें देखिएगा कि काफ़ी अच्छी संख्या में लोग जो है वो कांग्रेस पार्टी को समर्थन करने के लिए, सचिन पायलट को सुनने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, सोनिया गांधी के सामने। तो यहाँ पे आप तस्वीरें देखिएगा कि लगातार जो है वो गांव के लोग जो है वो कांग्रेस पार्टी के समर्थक जो है वो सचिन पायलट को जो है वो यहाँ पे पगड़ी पहना करके जो है वो उनका सम्मान जो है वो लगातार गांव के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो यहां पे जो है वो संतोष बेनीवाल के द्वारा जो है वो सचिन पायलट को बुक्का और हल दे करके जो है वो सम्मानित जो है वो अभिवादन उनका जो है वो लगातार किया जा रहा है। तो यहाँ पे तस्वीर देखिएगा कि पूर्व विधायक भरत सिंह बेनीवाल जो है वो और सुमित बेनीवाल जो है वो सचिन पायलट को तलवार भेंट करके जो है वो उनका अभिवादन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सचिन पायलट जी ही एक ऐसे नेता है जिन्होंने गरीब किसानों के युवाओं को राजनीति की अग्रिम पंक्ति में बैठाने का काम किया। हम जैसे नौजवान कांग्रेस से निकल कर आपकी पास की विधानसभा संग्रिया से अगर विधायक बनाने का मौका मिला, कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी बनने का मौका दिया तो सिर्फ सचिन पायलट जी ने दिया। और आने वाला समय किसानों और युवाओं का है। जिस प्रकार हरियाणा के अंदर युवा विरोधी और किसान विरोधी सरकार है, सरकार को भी पलटना है। और देश के अंदर जिस प्रकार से किसान आंदोलन चरम सीमा पर है, 750 किसान साथी शहीद हो चुके हैं, बदला लेने का मौका हमारे पास है। हमारे बीच जो प्रत्याशी है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय कुमारी शैलजा जी है। दिल्ली के अंदर बड़ा मैसेज आप सब लोगों को देना है, यहाँ से कांग्रेस पार्टी को बहुमत दिलाकर तमाम ग्रामवासियों का, कांग्रेसजनों का मैं धन्यवाद देता हूँ मान सम्मान देने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जो आपके साथ जातियां हुई है, किसान को मारा गया है, किसान को बर्बाद किया गया है, नौजवानों को बार बार टेस्ट देने पड़े और बार बार पेपर लीक हुए और बार बार पेपर कैंसिल हुए, उनको परेशान किया गया है। जिस तरह के आप सारे समझते हैं कि 4 साल के मिलिट्री की भर्ती कर दी है, 4 साल में ना तो हमारा सैन्य बल मजबूत होता और न ही वो जवान गया है वापिस घर आएगा, ये हालात पैदा कर दिए। महिलाओं के साथ अन्याय किया, हमारी पहलवान जो राष्ट्रीय लेवल पदक लाई थी उनको सड़कों पर दिल्ली के घसीटा गया, इसी तरह श्रमिकों के साथ अन्याय किया गया, शिक्षा तंत्र को कमजोर किया गया,
अध्यापकों के पोस्ट खाली पड़ी है, डॉक्टरों के पोस्ट खाली पड़ी है, हर जगह जहां भी जाएंगे आप सारी पोस्टें आपको खाली पड़ेगी। 2 लाख पोस्ट हरियाणा प्रदेश में खाली पड़ी है, इसलिए इस सरकार ने युवाओं के साथ धोखा किया, किसानों के साथ धोखा किया, महिलाओं के साथ धोखा किया और श्रमिकों के साथ धोखा किया। इसलिए हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने कहा है 5 न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, महिला न्याय, युवा न्याय और आपकी शमूलियत, हर चीज में आपकी भागीदारी न्याय। 25 गारंटियां दी है, अगर आप वो पत्र अच्छी तरह से पढ़ेंगे आपके स्वर्ण में आ जाएगा। अब इस बार चुनाव आम चुनाव नहीं है, ये बदलाव का चुनाव है और बदलाव बदला लेके बदलाव करना है, क्योंकि आपके साथ जो लाठियां पड़ी है 10 साल के अंदर, उन लाठियों का बदला लेना है आपको। बदला लेने के लिए इस बार कांग्रेस ने कैंडिडेट सोच सोच के उतारे हैं। हमारी सरसा की कैंडिडेट बहन शैलजा जी लड़ रही है, सरसा की आवाज थी, सरसा के लोग कह रहे थे कि शैलजा जी आए तो बहुत बढ़िया जीत होगी। पार्टी ने शैलजा जी को आपको दिया और अब आपका फर्ज बनता है कि आप शैलजा जी को हरियाणा प्रदेश में नंबर 1 पर जिताने का काम करें। आप सबका धन्यवाद करता हूं और सचिन जी का फिर स्वागत करता हूं। धन्यवाद।